पानी उनके ऊपर से निकल गया तो लगता है ना पानी के अंदर दफन हो गए, बोलते हैं ना उसको दफना के मिट्टी में, मिट्टी के मिट्टी ऊपर डाल दी तो दफन हो गया। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो गए, यानी बहुत ज्यादा डर के साथ टेररराइज्ड हो गए। हे स्किनी, वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम्हें पसंद आएगा अगर मैं तुम्हें फेंक दूं। और उसी के साथ ही टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द वाटर। खाना नहीं खाया, एकदम शूक ऐसे करके हिल रहे थे अपने बेड में जाकर के, कंप्लीटली सैटर्ड, पूरी तरीके से एकदम बुरा लग रहा था उनको, क्या अब कभी पानी में नहीं जा पाऊंगा। फिर और डर बढ़ गया उनका पानी से। फेल्ट वॉबली इन हिज लेग्स, वॉबली का मतलब क्या, उनके पैर एकदम ढुलमुल हो गए थे। थोड़ा सा भी काम करने में, स्लाइटेस्ट एक्सकर्जन, किताब देखना जाकर के, है ना, थोड़ा सा भी काम करते तो उनके पैरों में दर्द होने लग जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट जो आपकी मदद करेगा आपकी बोर्ड्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए। और अगर आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कोई चीज जोड़ रहे हैं, दिस going to be the best thing for you. जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। इस चैप्टर के बारे में क्या आपको जानना है, इस चैप्टर के बारे में आपको जानना है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल लेसन है, यानी कि ये किसी की आत्मकथा पर है। और किसकी आत्मकथा है, ये विलियम ओ डगलस। और इस चैप्टर के बारे में एक और खास बात जो आपसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि ये चैप्टर किस किताब से लिया गया है, तो आप उस किताब का नाम याद रखिएगा, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर को एकदम फास्ट फॉरवर्ड में लेते हुए। सबसे पहले विलियम ओ डगलस जो कि बचपन में क्या करना चाहते थे भैया, स्विमिंग सीखना चाहते थे, इसलिए वो कहां गए, YMCA पूल। आपसे पेपर पूछा जाता है YMCA का फुल फॉर्म बताइए, और कहां पर था, वो था याकिमा में, और उसका फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्यों इस याकिमा रिवर को ट्रेचरस बोला गया। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है डेंजरस, जो कि लिखा भी हुआ है, क्योंकि वहां पर कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके थे, ड्राउनिंग के कई सारे लोग डूब चुके थे। साथ के साथ जो उनकी मम्मी थी, किसकी मम्मी, विलियम ओ डगलस, उनको बताती रहती थी बेटा वहां जाना नहीं है, बहुत सारे लोग वहां पर डूब गए। साथ के साथ अब जान लो भैया कि YMCA पूल सेफ क्यों था, आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिया। अब आप ये जान लो YMCA पूल सेफ इसलिए था क्योंकि जो उसका शैलो एंड था वहां पर वो 2 से 3 फीट ही गहरा था, लेकिन जो दूसरा वाला एंड था गहरा वाला वो 9 फीट गहरा था। साथ के साथ वहां पर वाटर बिंग्स लेकर के जाता था जिससे उसको डूबने का कोई खतरा था ही नहीं। और YMCA पूल में जब वो जाता था उसके पैर कैसे थे, स्किनी, स्किनी का मतलब कैसे, थिन, पतले पैर थे, और उसको थोड़ी सी शर्म आती थी कि अपने पैरों को ना दिखाना पड़े। ये आपको किसके बारे में पता चला, विलियम ओ डगलस के बारे में। आगे भैया, ऐसा क्या था कि भैया वो अवर्जन करता था, यानी कि हेट करता था। अवर्जन का मतलब क्या होता है, अवर्जन का मतलब होता है हेट। आखिर क्यों विलियम ओ डगलस पानी से नफरत करते थे, कारण जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो भैया चाइल्डहुड इंसिडेंट, चाइल्डहुड में ऐसा क्या हुआ था, सब मैंने आपके सामने लिख दिया, बस आपको एक बार कोशिश करना है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा आप अपनी कॉपी में लिख लो, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, उसकी एज 3 से 4 साल थी जब वो कहां गया थे, अपने पापा के साथ गए थे वेंट बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर। हुआ क्या भाई साहब, तब दोनों के दोनों सर्फिंग कर रहे थे, मतलब कि जहां पर पानी आता वहीं पर अपने पापा के साथ बैठे होंगे। एट द सेम मोमेंट हुआ क्या कि वेव्स नॉक हिम डाउन, वेव्स आई और उसको नीचे गिरा दिया, और वो बरीड हो गए, पानी के अंदर दफन हो गए। मतलब पानी उनके ऊपर से निकल गया तो लगता है ना पानी के अंदर दफन हो गए, बोलते ना उसको दफना के मिट्टी में, मिट्टी के मिट्टी ऊपर डाल दी तो दफन हो गया। इससे क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड हो गए, यानी बहुत ज्यादा डर के साथ टेररराइज्ड हो गए। बहुत ज्यादा अंदर से डर उनको सताने लगा क्योंकि भाई साहब, लेकिन पापा ने क्या किया, पापा उस पर हंसने लगे, पापा ने उसको लाइटली लिया। मैंने यहां पर लिख दिया बेटा कि पापा ने उसको कैसे लिया, फादर लाफ्ड एंड टुक इट लाइटली, कि कोई बात नहीं है। आगे क्या हुआ भाई साहब, फिर उन्होंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखने जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या किया भैया, इन्होंने गैदर किया करेज को कि भैया मैं साहसी हूं, मैं सीखूंगा जाकर के। इन्होंने भैया एक वाटर विंग्स खरीदे और जाकर के एप करने लगे। एप का मतलब होता है कॉपी। जो भी बच्चे थे कहां पर, स्विमिंग पूल में, वहां जाकर के उनकी नकल उतारने लगी। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है जब इनके साथ एक मिस एडवांटेज हुआ। क्या था वो मिस एडवांटेज, क्योंकि एक बार ये पहुंच गए पहले ही, लिखा भी हुआ है वंस डगलस वॉज अलोन, और ये टाइम से पहले पहुंच गए, पानी वहां पर उनको साफ साफ दिख रहा था पूल का, लेकिन अंदर जाने में डर रहे थे, सोच रहे कोई आ जाएगा फिर जाएंगे। एट द सेम मोमेंट एक लड़का आया 18 साल का, बिग ब्रूजियर ऑफ बॉय। यहां पर बिग ब्रूजियर ऑफ बॉय बोलने का मतलब यह है कि एक हट्टा कट्टा लगभग 18 साल का लड़का, जो जिसके छाती पर थोड़े से बाल भी थे और एकदम एक स्पेसिमेन था, लिखा हुआ है आपकी किताब में स्पेसिमेन ऑफ परफेक्ट बॉडी, उसकी बॉडी बहुत ही तगड़ी थी। और उसने क्या किया, वुड यू लाइक टू बी डग्ड, उसने क्या पूछा, हे स्किनी वुड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम्हें पसंद आएगा अगर मैं तुम्हें फेंक दूं। और उसी के साथ ही टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द वाटर, जो गहराई वाला साइड था वहां पर उसको क्या कर दिया, टॉस कर दिया। आगे लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, ये पॉइंट्स जो आप याद रखोगे पॉइंटर्स के माध्यम की, भैया वो कैसे लैंड किए, सिटिंग पोजीशन, बैठे बैठे पहुंचे, और स्वेलोड वाटर, काफी सारा पानी चला गया, लंग्स में भर गया, वॉज वेरी फ्राइटेंड, डर गए, लेकिन यह भी लिखा है वॉज नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, इतना नहीं डर गए कि वो अपनी सोचने समझने की क्षमता खो दे। उन्होंने एक प्लान बनाने की कोशिश की, और क्या प्लान बनाया वो जानते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि भैया मैं जब नीचे पहुंचूंगा तो एक तेजी से जंप लूंगा ऊपर की तरफ, और जैसे कॉर्क नहीं होता बाहर आ जाता वैसे ही मैं आ जाऊंगा, और सरफेस पर आकर कि मैं सीधा लेट जाऊंगा, अपने पैरों को पैडल करूंगा, यानी कि ऐसे करके चलाऊंगा, और उस समय
जब उनसे नहीं हुआ तो उनको क्या फील हुआ कि वो जो 9 फीट थे ऐसा लग रहा था 90 फीट है जब वो नीचे जा रहे थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। इस तरफ जो आप देख पा रहे हो वो है फिजिकल टॉर्चर, इस तरफ है मेंटल टॉर्चर। ये सारे पॉइंटर्स अपने आंसर में लिखोगे ना, काट के दिखा दे भाई साहब, मां साहब तुम्हारे मास्टर नहीं काट पाएंगे वो नंबर। आइए, जो फिजिकल टॉर्चर झेला वो क्या था, लंग्स वर रेडी टू बस्ट, लंग्स ऐसा लगता है फट जाएंगे, एकदम भरे पड़े हैं लंग्स। साथ के साथ ही वॉज सफोकेटिंग, बहुत ज्यादा सफोकेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस तरीके सफोकेटिंग हो रही। स्वेलोड वाटर एंड चोक्ड लेग्स, स्वेलोड वाटर यानी कि काफी सारा पानी चला गया और जो क्या बोलते हैं उनको, जो लेग्स हैं उनके चोक्ड हो गए, काम नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ सीम्ड पैरालाइज्ड एंड रिजिड, रिजिड का मतलब एकदम टाइट हो गए, पैरालाइज हो गए, पैर हिल नहीं पा रहे, एकदम ऐसे भार की वजह से बन गए, भारी बन गए बहुत। लंग्स एग्ड एंड हेड थ्रॉब्ड, उनके जो लंग्स हैं बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, हेड थ्रॉब्ड का मतलब एक्यूट पेन, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है उनका हेड। साथ के साथ वॉज गेटिंग डिजी, बिकम स्टिफ एंड रिजिड, और ऐसा लग रहा है धीरे 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 अपने कॉन्शियसनेस को खो रहे हैं और बॉडी क्या हो रही, अकड़ती चली जा रही। और मेंटल पेन में क्या है, उनको लगा कि ये ट्राई करेंगे जंप करने का और सोचा कि भैया ऊपर चले जाएंगे कॉर्क की तरीके, लेकिन वो हुआ नहीं, केम अप स्लोली, ऊपर आए धीरे 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 करके, नीचे तो धीरे जा ही रहे, ऊपर भी आ रहे धीरे धीरे करके, उनको लगा तो कॉर्क की तरीके ऊपर जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। साथ के साथ ट्राई टू येल, येल का मतलब चिल्लाना, क्राई करने की कोशिश की, मम्मी मम्मी को चिल्लाने की कोशिश की, बट नो वन केम, कोई भी आया नहीं क्योंकि साउंड भी बाहर नहीं जाएगा पानी से। अब स्क्रीम्स वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था जो उनकी आवाज है ना वो भी एकदम जम चुकी है। साथ के साथ आर्म्स एंड लेग्स डिड नॉट मूव, जो उनके आर्म्स हैं जो उनके लेग्स हैं वो मूव करना बंद कर चुके हैं। वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड टू जंप थर्ड टाइम, और एकदम थक चुके हैं कि तीसरी बार वो ऊपर जा सके। मैं इसको इतना फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा अमूल्य है, तुम चाहोगे तो इसको दो बार तीन बार देख लोगे, लेकिन मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा एकदम एग्जाम के पहले भी देख रहा है ना तो भी वो मिनिमम टाइम में इसको कवर कर सके। और मैं चाहूंगा कि अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि हाँ ये यूजफुल है, हाँ आपने मेहनत की है ना 3 घंटे जाग करके, रात का समय 2:30 बज रहा है तब भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट। मैं मेहनत करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि भाई भैया बोलते हो तुम, आदित्य भैया अगर बोलते हो तो आदित्य भैया अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। आगे क्या होता है भैया, क्रॉस्ड ऑब्लिवियन स्टेट, ऑब्लिवियन का मतलब वो अनकॉन्शियस हो गया, अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ना दर्द ना फिर चेतना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साथ के साथ जो मेंटल सिचुएशन वो क्या हो रखी है, सिचुएशन वॉज लाइक अ नाइटमेयर, ऐसा लग रहा है कोई बुरा सपना सा देख लिया हो। लुक्ड फॉर रोप्स, ऐसा लग रहा है रस्सी मिल जाए, कोई लैडर मिल जाए, है ना, स्टेयर्स मिल जाए, सीढ़ियां मिल जाए, पर कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो वाटर विंग्स मिल रहे हैं, हाथ में आया तो क्या सिर्फ और सिर्फ पानी। ट्राई टू कॉल मदर बट किसी ने सुना नहीं, मम्मी को चिल्लाने की कोशिश करें, मम्मी आ जाओ आ जाओ, पर कौन सुनेगा भाई, पानी में आवाज नहीं जाती बाहर। नो मोर पैनिक, गेव अप होप, और उसके बाद भैया होप छोड़ दी कि कुछ नहीं हो सकता तो कोई नहीं आएगा, और डगलस वॉज सेव्ड। अब कैसे बचाए गए, जब उनको बचा लिया गया उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब घर गए बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे थे, उसके बाद कई दिनों तक तो निकले ही नहीं घर से, शूक एंड क्राइड इन हिज बेड, खाना नहीं खाया, एकदम शूक ऐसे करके हिल रहे थे अपने बेड में जाकर के, कंप्लीटली सैटर्ड, पूरी तरीके से एकदम बुरा लग रहा था उनको कि अब कभी पानी में नहीं जा पाऊंगा, फिर और डर बढ़ गया उनका पानी से। फेल्ट वॉबली इन हिज लेग्स, वॉबली का मतलब क्या, उनके पैर एकदम ढुलमुल हो गए थे, थोड़ा सा भी काम करने में स्लाइटेस्ट एक्सकर्जन, किताब देखना जा करके, है ना, थोड़ा सा भी काम करते तो उनके पैरों में दर्द होने लग जाता था। आगे बढ़ो, फिर ऐसा क्या था भैया जिसके कारण उन्होंने दोबारा स्विमिंग सीखी, क्योंकि भैया डिजायर क्या थी विलियम डगलस की, डिजायर थी विलियम डगलस की कि स्विमिंग सीख सके, डिजायर थी कि भैया एंजॉय कर सके वाटर स्पोर्ट्स को, डिजायर थी कि भैया कास्केड में, टाइटन में, बंपिंग रिवर में और वार्म लेक में जा सके, डिजायर थी कि भैया ये कहां जा सके, स्विमिंग करने जा सके, डिजायर थी कि कैनोइंग कर सके, बोटिंग कर सके, स्विमिंग कर सके, ये सारे स्पोर्ट्स ये करना चाहते थे, उसको एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए फिर ये कहां गए भैया सीखने गए। फाइनली डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, अब सीखेंगे कैसे देख लेते हैं। हायर एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को हायर किया और प्रैक्टिस करते थे 5 दिन हर हफ्ते में और 1 घंटा रोज। उसने कैसे यूज किया, इंस्ट्रक्टर ने यूज किया भैया एक रस्सी का और पुली का, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ उसको खींचते थे और इस तरीके धीरे 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 करके इनका डर गया, इनको सिखाया किस तरीके से भैया सांस लेनी है पानी में, किस तरीके से भैया ऐसे करके हाथ चलाने, सब कुछ धीरे धीरे करके सिखाया, सभी स्ट्रोक सिखाए। उसके बाद भी भैया इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट, इंस्ट्रक्टर ने तो बोल दिया कि अब सीख गया, 6 महीने बाद 9 महीने बाद बोल दिया कि बस हो गया तुम्हारा, लेकिन अभी मेरे अंदर डर अभी भी आता था, स्लाइटेस्ट फियर अभी भी आ जाता था, कभी कभी ऐसा लगता था क्या करें। तब उन्होंने क्या किया भाई साहब, ये गए वेंटवर्थ, ये वेंटवर्थ लेक कहां पर है भैया, न्यू हैम्पशायर, इन्होंने कपड़े उतारे और जा करके क्या करने लगे, कपड़े उतार करके ये चले गए सीधे डाइव करने, और 2 मील, 2 मील का मतलब तुम समझ लो 3.8 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर इन्होंने स्विमिंग किया। उसके बाद भैया एबल टू कंकर हिज फियर, तब इनको फील हुआ कि बस अब मैंने अपने डर पर क्या कर लिया है, काबू पा लिया है। एंड एट लास्ट देयर इज पीस इन डेथ, भैया जो मृत्यु है वहां पर तो शांति है लेकिन डर कहां पर है, देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, जो डर है ना, जो आतंक है ना, वो एक डर के अंदर ही है, जो डर होता है ना कि मर जाएंगे, उस डर में ही डर है,
मृत्यु में डर नहीं है, मृत्यु में तो शांति है, लेकिन मृत्यु के डर में ही डर है। आई थिंक तुम समझ रहे होगे। लेसन ऑफ करेज, ये लेसन क्या हमको दिखाता है भैया? करेज का लेसन है, ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद का लेसन है, साथ के साथ डिटर्मिनेशन का लेसन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर का लेसन है, और सभी के सभी फियर्स जो होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं, उन्हें जीता जा सकता है, उन्हें क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है, राइट। और अगर आप लोग, यहां पर ये द एंड होता है, और मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करें, और अगर आपको चाहिए फ्री में नोट्स, सारे के सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए, तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं। आप इस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करेंगे, aditya.tiwari@adda247.com, और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके आदित्य भैया यहां पर आते रहेंगे लगातार। आपको अपना नाम, अपना स्ट्रीम, अपनी क्लास, और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप या टेलीग्राम को, सो दैट आई कैन गिव यू ऑल द पीडीएफ्स ऑफ क्लास इंग्लिश मुफ्त में। यार मैं पैसा क्यों ही लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए मैक्सिमम बच्चे टॉप करें, मैक्सिमम बच्चे भैया मुझे मेरिट में चाहिए, और ये जो हनक है मेरे मन की, ये मैं पूरी करके रहूंगा। तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। और अगर तुम्हें कोई बैच लेना है CUET का या फिर कोई भी बैच, तो तुम यूज कर सकते हो कोड S743, जो कि तुम्हारे आदित्य भैया का कोड है। इसके माध्यम से तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, और मैं आपके रिप्लाईज का वेट जरूर करूंगा। जय हिंद बच्चों।